स्टडी एंड गो चीयर। जितना ये दिखने में जितने अच्छे और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे ना, इसमें ना भाई हल्का हल्का नशा सही से देखो। और एमा ने जो मेरे को शूज दिलाए हैं वो कुछ ये कुछ शक नहीं आगरी चेक नहीं भी बजट दिया चले। ऐसी आज स्टार्टिंग करते हैं। एमा आज अपने शूज से रिलेटेड कपड़े पहन रही है, मैंने भी अपने शूज से रिलेटेड ही कपड़े पहने हुए हैं। तू क्या है बे? हम ओला में बैठ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं मजरू का टीला के लिए। तो ये है मेरा पार्टनर आज के लिए और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ आज के लिए। कुछ भी चलेगा आज तो। आज एमा कर रही है भाई पूरे दिन ब्लॉग, ठीक है। एक चीज मैं बोलना भूल गई कि हमारा वीडियो का मेन मोटिव ये है कि आज हम जा रहे हैं चौको के लिए शूज लेने के लिए। मेरे लिए नहीं, हम एक दूसरे को शूज दिलाने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि चौको को कई बार लोगों ने मतलब चौको के कमेंट में इतने सारे वो आए कि चौको को एक शूज दिला दो, एक शूज दिला दो, वो एक ही शूज पहनते हैं और तुम तो बदल लेती हो शूज लेकिन चौको नहीं बदल पाते, बताओ। इतना ट्रोल कर रहे हो भाई। जिस बंदे ने भी कमेंट करा था ना दिल से दुआ, तो उसके वजह से मेरे को शूज मिलने वाला आज। तो आज जा रहे चौको को शूज दिलवाने और शायद ये मेरे को नहीं दिलाएंगे, चलो देखते हैं यार आगे। भाई कल वो जो लोग जब खा के इसकी हालत इतनी खराब हुई और अभी हम वो खा रहे हैं वो तीखा वाला लाफी। तो जैसे कि हमने बाहर का व्यू नहीं दिखाया भाई क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, कुछ बन रहा था। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और हम ट्राई करेंगे लाफी। इतना अच्छा ब्लॉग था, कितना तीन बोला हमारे तीन आ चुके हैं। उस पानी वाले को क्या कहते हैं? झोल वाला। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये लाफिंग खाने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो इसके साथ ये बियर, ये नॉन अल्कोहलिक बियर, मतलब इसमें बियर नशा नहीं होता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत सही लगता है। तो यहाँ पर हम आए चौको के लिए नेकलेस ढूंढने। जरूरी नहीं है मेरे लिए भाई, कोई भी ले जो गले में पहनते नेकलेस, मंगल सूत्र इसे कहते चौको के लिए। चौको तुम्हारा काला जादू करने वाला नहीं करता काला जादू। ओम भट्ट एमा मेरे को 2 लाख रुपए दे दे। ये तो कभी नहीं हो सकता भाई। आज एमा हमें घुमा दे रही है, एक रेस्टोरेंट ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उस इलाके से भी बाहर आ गए जहाँ पे मिलता है। अरे ढूंढ रहे हैं ना, गूगल पे सर्च मारो अनुप रेस्टोरेंट। अनुप रेस्टोरेंट वहाँ पता है क्या होता है, जैसे कोरियन मूवियों में देखा होगा एक छोटा सा ग्लास मिलता है, उसको पता नहीं थोड़ा कोई ड्रिंक मिलता है जिससे हल्का सा नशा हो जाता है। तो दारू पीने जा रहा है। दारू नहीं, मतलब भाई तुम उसे दारू नहीं कह सकते हो, वो उनका कोई डिश होता है, कुछ भी होता है वो चीज़ है। तो गाइस हम लोग देखो इस वाले गेट से अंदर आए हैं और यहाँ पे बोर्ड है, इधर भी बोर्ड था, आप लोग आओगे नहीं मेरे को पता है इसलिए फिर बता देता हूँ। तो ये है 3rd फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट से जाएंगे। चलो लेट्स गो भाई। बाहर का वो तो बहुत अच्छा बना रखा है, पता नहीं क्यों अंदर आते ही अपने आप ही वो नीचे हो जाता है। शूज़ अच्छे से रख दो, अभी अभी हम जूते खरीदने आए हैं, ऐसा ना हो जाए हमारा जूता पार हो जाए। वो वाओ देखे देखे करियो करियो करियो। अरे कितना सही है। सावन का पानी। ओ भाई साहब ये बहुत कमाल की चीज़ है। सॉरी व्लॉग मैं कर रही थी ना। हाँ तो गाइस फाइनली हम अनुप रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं, जो कि ये है मेन्यू यहाँ का। तो बाकी हम ऑर्डर करके देखते हैं क्या क्या है भाई। यहाँ पे इतना कुछ है, देखो इतना कुछ है, मैं बता नहीं सकता कितना कुछ है, इतना कुछ है मैं बता नहीं सकता कितना कुछ है। और अलग अलग आइटम, मतलब जो मैंने अपने पूरे इस 19 साल के जीवन में देखा होगा वैसा कुछ नहीं है गाइस। मैं बता दूं क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि इसे पढ़ना ही नहीं आता वो। मतलब बहुत भाई देखो, ये देखो किमची, गेरन मारी। तो अभी कुछ मंगाते, बहुत क्याड़ा सब चीज़ मंगाएंगे और उसका रिव्यू देंगे आपको आज, ठीक है। तो भाई अभी हमें एक डिश अच्छा लगा था, ये वाला, इसका नाम है किमची शेनरीमोन। तो इसमें देखो क्या डाला, नूडल्स है, मैंने यहाँ देखा अंडा है, ठीक है, उसके साथ चिकन है, यहाँ लिखा वेज चिकन। क्या बोला तूने? वेज चिकन क्या होता है, मतलब सब्जियों से चिकन बनता है।
सॉरी सॉरी दिस वन दिस वन ओके एंड दिस वन आज अगर तू पढ़ लेता तो क्या लेता भाई वो पता क्या है हमारे जैसे क्लियर बोल पा रहे हैं ना वैसे समझ रहे हो मैंने इंग्लिश भी ना थोड़ी सी अजीब सी है वो इंग्लिश इंग्लिश नहीं लग रही थी अरे नहीं बोला ना लेमन या फिर रेमन उसने रेमन बोला था मुझे लगा कह रही है कि विद लेमन विद विद लेमन मैंने कहा नहीं हो जाएगा ट्राई करें कर ले सोचो ट्राई करें दैट इज कॉल्ड चकना अभी सच में अल्कोहल वाली है क्या देख लो मेरे को तो पता नहीं लेकिन मैंने पूछा नहीं होगी अरे नहीं होगी अरे यार संतरा बना हुआ संतरे का जूस वही तो मतलब जूस है पहले यार ये पिए पीने की बड़ी जल्दी हो रही है चलो पी पी चलो रेडी स्टडी एंड गो चीयर्स वैसा कुछ नहीं है मतलब अल्कोहल जैसा नहीं अल्कोहल जैसा है ही नहीं एक दो बार मैंने अल्कोहल ट्राई किया था मेरे दोस्तों के साथ वो बहुत वो था भाई किया था मतलब करना पड़ा था मजबूरी में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मजबूरी में एक आधी बार करना पड़ा था वो हो जाता पार्टी वार्टी में पर ये बहुत डिफरेंट है ये अल्कोहल एक तरफ से ना की तरह है बाकी देखते क्या होता है हमारे साथ तू पी जल्दी पी ये देखो गरीब को देखो एक काम कर इसको डाल दे पहले तो भाई हमारा पूरा आइटम आ चुका है तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये है हमारा चिकन ये पता नहीं क्या है ये पता नहीं क्या है ये हाँ ये अंडे का है और ये हमारा चावल और भाई साहब ये पूरा डिश और अगर गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है मजनू का टीला पे तो आप हमें कांटेक्ट मत करो नहीं 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 बता दो तो ये सबसे अजीब ये है इसको मैं खाऊंगा तो पहले सबसे पहले इसको खा के देखते हैं सच्ची में थोड़ा सा मीठा मैं चिकन पहली बार ऐसे खा रहा हूँ थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा वैसा है क्या ये अंदर से तो चिकन जैसा लग रहा है पर मैं नहीं खा रही यार मैं खाऊंगा चिकन ये पता कैसा है हम केएफसी वो नहीं खाते चिकन बर्गर में जहाँ दोनों तरफ बर्गर और चिकन रहता और बीच में थोड़ा वो रहता सेम उसकी तरह टेस्ट है इस वाले का ये तो भाई अच्छा लगा मेरे को थोड़ा मीठा खट्टा है ये पता नहीं बेस्वाद बता रहा है स्वाद नहीं है मतलब बुरा नहीं कहूँगा पर स्वाद नहीं है इसमें भाई क्या क्या है इसमें चिकन है ये इसमें ऑमलेट है ये इसमें नूडल्स है ठीक है और कुछ पत्ता गोभी के पीस है सबसे अच्छा तो तेरी मम्मी बनाती है हाँ अंटिल यू आर बेस्ट तो अब आज फटाक से पी लेते हैं A few moments later. वही यहाँ ना गलत सीन हो गया इसमें ना भाई हल्का हल्का नशा था इसे देखो मुझे टेस्ट गंदे लग रहे आगे ये टेस्ट भाई टेस्ट तो एकदम सुअर है लेकिन हल्का हल्का सर में हिट कर रहा है तो दर्द हो रहा है इसको सुन जी भाई चल दोनों सुन के चला इधर ला कभी खाने को छी नहीं कहते भाई ऐसा खाना हो तो छी बोलते इनको तो हिंदी समझ नहीं आती छोड़ो बहुत बुरा है जितना ये दिखने में जितने अच्छे और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लग रहे ना उतना ही बुरा इनका टेस्ट है मतलब लाइक एक छोटा सा मील भी ना बहुत हैवी हो रहा है से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग और करो मेहनत तो हमारा बिल आ चुका है बिल तो दिखा कितना है बॉस पे करेंगे ना बिल
नहीं वापस तो रख, पॉज भी पे नहीं करेगी। तेरा आइडिया था ना? अरे मेरा चलेगा तो तुमको पे कर दूंगी, तुम मेरे को उतना तो करो, मेरा काम चल नहीं रहा। भाई खाना भी थोड़ा छूटा हुआ है, मुझे अफसोस सा हो रहा है। खाना छोड़ी है, चीज तो यही है, अपने पांच छह दोस्तों को लाना चाहिए था। अरे पता वो भी नहीं खा पाते। मेरे सुअर दोस्त तुम देख रहे हो, तुम्हारी याद आ रही है मुझे। मैं सागर को लेके आता, वो खा लेता सब कुछ, खा लेता। हंस क्यों रही है? वो तो होता तुम्हारी शक्ल देख के। क्यों तुम मेरी शक्ल देख के हंस रहे हो? भाई जब हम अंदर घुसे थे तब सूरज जो उग रहा था ऊपर था, अब देखो सूरज गायब हो गया और चांद सामने आ गया। पानी पी जाती अगर माँ वो तो उसकी माँ तेरे पीछे। एक कुत्ता दो को तीन कुत्तों को पानी पिला रहा है। ले 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 चलो भाई चलो, मैं तो जा रहा हूँ। तो गाइस हम फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं और जिंदा पहुंच चुके हैं और एकदम मस्त है, ठीक है अभी के लिए। बाकी थके हुए तो बहुत ज़्यादा है। और एमा ने जो मेरे को शूज़ दिलाए हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, लेकिन चोको का एक शूज पसंद आया था वो बिक चुका था, हम क्योंकि दूसरे शॉप में चले गए थे। तो ये शूज तो तेरे आउटफिट से पूरा मैच कर रहा है। अभी नोटिस किया, मेरी शक्ल से भी मैच कर रहा होगा। ये शूज थोड़े ज्यादा गोरे हैं हमारे तो दूर दूर तक नहीं है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल एमा की दीदी का बर्थडे है तो वहीं का ब्लॉग बनेगा और बहुत मजा आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर ब्लॉग आए तो कमेंट में जरूर लिखना, तो तभी हम बनाएंगे वो ब्लॉग। वो तो भाई वो लोग चाहेंगे कि हम बनाए। नहीं नहीं, इनकी इच्छा भी तो पूछनी चाहिए ना कि चाहते है कि नहीं चाहते। चाहते हो, मिलते हैं कल।